दोस्तों देखिए खेत में आ गया हूँ, सारा बिया हुआ लेके धान का बिया होता है। जब दोस्तों मैं हूँ कभी यारे, स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पाए मस्ती में। आइए एक न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। जैसा कि देखिए ये धान है जिसे हम लोग आम भाषा में जरई कहते हैं, धान का बिया है जो पहले गिराया जाता है, उसके बाद यहाँ से निकाला जाता है यानी उखाड़ा जाता है, उसके बाद से खेतों में फिर बोया जाता है। ऐसे ऐसे करके अभी मैं दिखाऊँगा आपको। हम तो यहाँ नीचे तक आप देख सकते हैं, ये धान है, देखिए धान है और हमें किसान है, ये धान है। तो यहाँ से उखाड़ा जाता है जो कि आज रोपनी हो रहा है। मैं गांव में आ गया हूँ तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो है यहाँ पे ऐसे बांध लिया जाता है, एज ए गांठ ऐसे करके आप देख रहे हैं, एक पोटी बन जाता है मुट्ठी वाला। तब फिर इसको बोरा में भर के जहाँ खेत जिस खेत में करना होता है उस खेत में ले जाया जाता है। तो देख रहे हैं ना, और इस पर एक कुदाल है जिसे फावड़ा भी कहते हैं, अब देख रहे हैं। और इस पर मैं धो भी रहा हूँ और खेत का सीन दिखाऊंगा जब रुप आएगा। तो ये सारा खेत देख रहे हैं मेरा जरई है, और इधर का पूरा खेत मेरा है, अभी रुपया नहीं है क्योंकि मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो मैं आया यहाँ। ठीक है, चलिए खेत में दिखाता हूँ आपको कि कैसे रुपाता है, कैसे क्या होता है, सारा सीन दिखाऊँगा आज वीडियो में, बने रहिए। किसान का इज्जत करिए क्योंकि किसान ही तो हैं यार जो देश को संभाले हुए हैं, क्यों नहीं ना। मिलते हैं वीडियो में। तो देखिए खेत में आ गया हूँ, सारा बिया हुआ लेके धान का बिया होता है जो पैडी सीड भी कहते हैं, इंग्लिश में पैडी सीड होता है। तो देखिए रोपाई हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। बाकी पीछे भी देखिए और बाकी है मेरा खेत है, और इधर का रोपाई हो गया है। अब इधर देख सकते हैं कि रोपाई हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए भाई, दो चीज़ों की बहुत इज्जत करनी चाहिए मेरे ख्याल से, एक किसान की एक जवान की। जैसा कि आप लोग एक नारा भी दिया गया है कि जय जवान जय किसान। किसान जो है यार अनाज उत्पादन करता है, भारत के देश की आर्थिक मदद भी करता है बहुत ज़्यादा, और जिससे हम लोग पल रहे हैं कहा तो ये किसान ही पालता है, यानी कि हम किसान भी हैं। दूसरा यार भाई, जवान जवान यार देश की रक्षा करता, अपनी जान की बाजी दे देता है वो जवान। इन दोनों का बहुत सम्मान करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं दूर दूरस्थ, इधर देखिए सभी लोग अपने अपने खेत में रोपाई कर रहे हैं धान का, धान की रोपाई है। जैसा कि इधर अभी चल रहा है का, और साउथ वाउथ में तो इधर धान उनकी कटाई लमसम होती होगी। ये नॉर्थ है, नॉर्थ साइड नॉर्थ इंडिया है। तो अभी इधर देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर तक लोग, सभी लोग खेत में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए पीछे भी और इधर भी दूर दूर तक। हाँ तो भाई आज से ही शुरू हुआ है, अभी देखिए कब तक फाइनल हो जा रहा है। बहुत अच्छा लगता है मित्र, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप ये सब देखे हैं, क्या ये सब आप किए हैं या कर पाते हैं कि नहीं। धान की रोपाई करना, खेत में चलना, ठीक है बिया हुआ इधर उधर करना धान का, इतना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। किसान की मेहनत को लाइक करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर ना हो तो सब। जब धान ही भाई फसल तैयार हो जाते हैं, इसी धान का जब लहलहाते हैं धान तैयार हो जाते हैं, तो उसका भाई किसानों की जो चेहरे पे मुस्कान होती है उसका क्या कहना। जब फसल यही नुकसान होता है तो किसानों का बहुत ज़्यादा क्या मैं बताऊँ, किस गम में वो लोग रहते हैं। और मैं बताऊँ कि यही अनाज जब पैदावार होता है मित्र, यही अनाज जब पैदावार होता है तो इसकी जब कम लागत में लोग ख़रीदते हैं इसको, उस समय जब रेट गिर जाता है तब भी किसान को बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। अब मेरे मित्र मैं बता दूं आपको, जब आप किसान की स्थिति पे आएंगे या किसान होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कितने कर्मठशील होते हैं, कितने कर्मों के बाद या कितने कठिन परिश्रमों के बाद फसल तैयार की जाती है। अरे यार मैं क्या बताऊँ अब अभी आपको कि कितना मेहनत लगता है, वो सब किसान का ही लड़का या किसान ही महसूस कर सकते हैं, और कोई नहीं महसूस करता। मैं किसान से जुड़ा हूँ, किसानों की इज्जत करता हूँ, और क्यों ना आप भी करें। कैसा लगा ये मेरा छोटा सा वीडियो, आपके बीच में जा रहा है, ढेर सारा प्यार दीजिए क्यों ना। जब आप किसान की स्थिति पे आएंगे या किसान होंगे तो आपको ये महसूस होगा कि कितने कर्मठशील होते हैं, कितने कर्मों के बाद या कितने कठिन परिश्रमों के बाद फसल तैयार की जाती है। अरे यार मैं क्या बताऊँ अब अभी आपको कि कितना मेहनत लगता है, वो सब किसान का ही लड़का या किसान ही महसूस कर सकते हैं, और कोई नहीं महसूस करता। मैं किसान से जुड़ा हूँ, किसानों की इज्जत करता हूँ, और क्यों ना आप भी करें। कैसा लगा ये मेरा छोटा सा वीडियो, आपके बीच में जा रहा है, ढेर सारा प्यार दीजिए क्यों ना।
बना हो तो सब्सक्राइब कर ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कमेंट में वीडियो का कौन सा पार्ट आपको बेहद अच्छा लगा। मैं जो बताता हूँ क्या आपको अच्छा लगता है, क्या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।